तो रूम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, देख सकते हैं मरीन टैंक काफ़ी अच्छी चल रही है, फीचर्स वहाँ पर जोड़ी बनाए बैठे हुए हैं। टैंक क्लीन करना है भाई, टाइम में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है तो देखो, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा है। और बाकी फ्लोवान देखो, फ्लोवान भी एकदम, ये कमलो है, कमलो हमारा जो फिशेस थी वो कमलो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी चलती हैं वो भी। हैमसर ये भी तकरीब बच्चे हैं, हालांकि अंधेरे में दिख नहीं रहा, अभी रात के 4 बज रहे मैं वीडियो ले रहा हूँ, तो फास्टिंग के लिए उठा था तो उसी टाइम में वीडियो ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो भी नहीं थे इसलिए अभी वीडियो ले रहा हूँ। ये आरोना का क्या बताऊँ, इतनी बड़ी होती जा रही है, अभी ये तकरीबन 30 इंच की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद फिश रूम का टूर लेके आ रहा हूँ। आई नो बहुत दिनों से सिर्फ शॉप के वीडियो आ रहे थे, तो लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद पूरा फिश रूम टूर देने वाला हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आपको एक सरप्राइज़ भी है कि फिशेस का अपडेट देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत सारे एक नए कॉन्टेंट आने की तैयारी में चल रहे हैं। तो एक्चुअली हमने ब्रेक लिया था, बहुत सारी चीज़ें थी और रमजान में चल रहा है तो काफ़ी बिजी रहते हम लोग, तो ज़्यादा शॉप के वीडियो थे और रूम के वीडियो बहुत कम थे, तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको फिश रूम टूर कराता हूँ और क्या क्या नए अपडेट्स हैं वो दिखाता हूँ। और मेन अपडेट्स, काफ़ी दिनों के बाद हम गप्पी का अपडेट दे रहे हैं, बहुत दिन हो चुके थे गप्पी का अपडेट नहीं दिए थे। गप्पी और मरीन का 1 महीना कंप्लीट हो चुका है फिशेस ऐड किए हुए, फिशेस अभी तक मरी नहीं है, तो इसका मतलब हमारी मरीन टैंक पास हो चुकी है, तो वही खुशी की चीज़ है, बहुत सारे खुशी की चीज़ें हैं, वन बाई वन हम पूरा कवर अप करेंगे। चलिए, रूम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, देख सकते हैं मरीन टैंक काफ़ी अच्छी चल रही है, फीचर्स पीछे छुपे हुए हैं और हमारी ऑस्कर टैंक, ऑस्कर भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्टिव हैं और एकदम बढ़िया से ग्रो हो रहे हैं। देखिए जब मैं आता हूँ तो ग्रीट भी करते हैं, अभी मैंने फ़िल्टर लगाया है, थोड़ा फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अभी फ़िल्टर ऑफ कर दिया तो पूरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, ऑस्कर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और सेवेरम्स वहाँ पर जोड़ी बनाए बैठे हुए हैं। इसका कलर देखिए एकदम कैसा खुल के आ रहा है, एकदम डिफरेंट कलर आ रहा है इसके लिए, जैसे यहाँ पर उसका पैटर्न वगैरह ऐसा लग रहा है कि ये एकदम वाइट, ऐसा लग रहा है आपको किसी ने बाइट किया लेकिन बाइट नहीं किया, वो कलर ही ऐसा है, एकदम वाइट वाइट लाइंस उसकी बॉडी पे आए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि किसी ने अटैक किया, लेकिन वो बॉडी का कलर है ही ऐसा और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और मरीन टैंक का यहाँ पर देखिए, मरीन का 1 महीना कम्प्लीट हो चुका है, फीचर्स ऐड किए हुए, फीचर्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारी गप्पी टैंक, पहले गप्पी टैंक यहाँ पर थी, देखते समय यहाँ पर गप्पी थी, अभी इसको मैंने डम कर दिया क्योंकि यहाँ पर एक स्टैंड आ रहा है, मैंने एक स्टैंड बनाया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड हम बना रहे थे तकरीबन 8-10 दिन पहले, हमने स्टैंड बना लिया लेकिन अभी थोड़ा बिजी होने की वजह से उसके ऊपर काम नहीं चल रहा है, लेकिन रमज़ान होने के बाद वहाँ से लेकर स्टैंड यहाँ तक आएगा, वो दरीचे तक, मतलब 7 फीट लेंथ होगा, हाइट 1.5 फीट होगा, तो उसमें 2-2 फीट के या 20-20 इंचेस के 5 टैंक आएंगे, जिसमें वहाँ पर एक्सलोट्स होगा और उसके बाद पोलर पैरट्स होंगे, उसके बाद और भी दूसरे न्योन्स या टेट्रास वेराइटी होंगे, उसके बाद क्रैप्स और मड स्कीपर, और साथ में उसके नीचे और 1-2 टैंक आएंगे, वो होंगे लॉबस्टर्स के सेटअप, तो 6-7 सेटअप यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि एक ही टैंक में बार बार कितनी बार दिखाऊंगा, सिर्फ है जो फीचर्स वही फीचर्स बार बार दिखाता रहूँगा, आप बोर हो जाएंगे, आपके लिए भी कंटेंट देना ज़रूरी है। सिर्फ आरोना ये मेरे पास 5 साल से है, आरोना मेरे पास ये 5 साल से, इसी के ऊपर कितनी वीडियो बनाऊंगा तो लोग बोर हो जाते हैं देख देख के। अभी एशियन आरोना भी रखने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसका भी मैं अपडेट दूंगा, तो धीरे धीरे हम लोग कंटेंट बनाना ज़रूरी है और हमारे पास फिशेज भी रखना ज़रूरी है। मैं चाहता था कि मेरे फिश रूम में 30 टैंक रहेंगे, फिलहाल ऑलरेडी 15 टैंक हैं, लेकिन मेरा सपना है कि पहले से भी आप सब जितने मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको पता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 30 टैंक रखना मेरा सपना है, तो शायद बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पर 8 टैंक आएंगे, मैंने ऑलरेडी स्टैंड बना लिया है 2 स्टोरी का, वहाँ पर अलग अलग टैंक आएंगे, उसमें बहुत सारे फिशेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये डम कर दिया, मैंने निकाल दिया क्योंकि काफ़ी ओल्ड और अक्वर्ड, थोड़ा बहुत सारे लोगों को ये सेटअप पसंद नहीं आ रहा था, तो उसको अभी मैं डम कर देना, इसको निकाल देना है। उसके बदले में यहाँ पर एंजल फिशेस से आपने देखा होगा, एंजल फिशेस थोड़े कारण से आजकल बहुत बिली जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिशेस मर गए थे, तो अभी मैंने इसको बना दिया है गप्पी टैंक, अभी परमानेंटली गप्पी टैंक रहेगा। ये गप्पी भी देखिए कितने खूबसूरत हैं, टोटली इसके अंदर 200+ गप्पीस हैं, जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर 200 गप्पीस है टोटली। इसमें अलग अलग वेरिएंट हैं, अगर बात करें तो 13 वेरिएंट हैं, 13 अलग अलग वेरिएंट है और काफ़ी खूबसूरत हैं। देखो भी थोड़ा टैंक क्लीन करना है भाई, टाइम में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है, तो देखो है ना काफ़ी खूबसूरत। अभी थोड़ा सिंपल टाइप सेटअप बनाया मैंने, ज़्यादा मैंने पहले जैसा नहीं बनाया, ज़्यादा वो टैंक भी नहीं किया, 4 करोड़ नहीं किया, डेकोरेशन वगैरह डाल के सिंपल किया, और फिशेज देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये गप्पी टैंक है, गप्पी टैंक हमारा होगा, गप्पी का हमने पूरा सेटअप कर दिया, हैंग ऑन बैक फिल्टर है इसके अंदर,
और ये वाला नॉर्मल लाइट है। एलईडी लाइट भी ख़राब हो चुका था, आपने देखा होगा मैंने एक रील शेयर किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये लाइट कबूतर बैठने की वजह से पानी में गिर के पूरा चला गया था। उसके बाद जो एलईडी लाइट मिलती है ना मार्केट में, वो वाली लाकर मैंने अंदर डाल के जुगाड़ कर लिया। देखो 20 रुपये की आएगा, 20 40 60 80 100 120 140 रुपये में मैंने एक लाइट पूरा रिप्लेस कर दिया, वरना अगर सेम खरीदने जाओ तो 1000 रुपये की भाई लाइट आती है। तो इसलिए मैंने जुगाड़ू आइडिया करके मैंने उसको यहाँ पर देखिए, इसका कन्वर्टर भी आता है, ये ऑफ हो गया, ए सी डी सी कन्वर्टर आता है एल ई डी लाइट चलाने के लिए, वो भी मैंने अटैच कर दिया है। और मरीन टैंक का इफेक्ट भाई मैं आपको बताऊँगा, मरीन टैंक का देखो, मरीन टैंक का साल्ट का इफेक्ट कितना ख़राब होता है। देखो मरीन टैंक के साल्ट की वजह से ये पूरा कैसा हो गया, देखो ये होता भाई मरीन टैंक का इफेक्ट। आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे भी मैंने सुना था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी अगर लाइट मरीन का पानी छींटे उड़ते हैं ना, तो इस तरह इसकी हालत हो जाती है। बस एक दिन के लिए ऐसा पानी उड़ा था, इसकी हालत ऐसी हो गई है। तो ये जुगाड़ू लाइट की वजह से अभी एक लाइट वगैरह सिंपल सेटअप अच्छा है। अभी मैंने रिसेंटली इसको चेंज किया, जो गप्पीस से पूरे जो उसके अंदर एंजल थे वो मर गए थे। मैं पहले श्रिम्स टैंक था बनाया था इसको, श्रिम्स के बाद मैंने इसको बनाया, और भी बहुत सारे फीचर ऐड किए थे, न्यू टेट्रास थे, बाकी थे। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें गप्पी टैंक बना दिया, गप्पी के काफ़ी सारे खूबसूरत कलेक्शन है इसके अंदर, देख सकते हैं बहुत सी ब्यूटीफुल सेटअप्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर है गोल्ड फिश टैंक, आप सबको पता है गोल्ड फिश टैंक मैंने बनाए हुए 2.5 महीने हो रहा है, 2.5 महीने से अभी तक मैंने पानी चेंज नहीं किया, फिर भी देखिए पानी कितना क्लीन है, क्योंकि इसका फिल्टर है ना काफ़ी बढ़िया है, जिसके कारण ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और फिशेस देखो, फिशेस भी मैंने जो खरीदा था वही फिशेस हैं, और इसमें छोटे मैंने स्मॉल ये डाला था, कौन से फ्लावर, वो भी इसी के अंदर है। यहाँ पर देखिए फिल्टर काफ़ी अच्छे से काम करता है, फिल्टर काफ़ी बढ़िया बना है, जिसकी वजह से ये हमेशा पानी क्लीन और क्लियर लगता है। थोड़ा मैं अंदर से वो आलगी जमा हुआ है, अगर स्क्रब कर देंगे निकल जाएगा टैंक के ऊपर, लेकिन बाकी ओवरऑल वो अच्छा है। और बाकी फ्लावान देखो, फ्लावान भी एकदम मस्त एक्टिव है, गोल्डन बेस है, और साथ में ये कमोलो है, कमोलो हमारा जो फिशेस थी वो कमोलो भी काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी इसका हेड ज़्यादा बड़ा था पहले, अभी भी बड़ा ऐसा नहीं किया, लेकिन इससे बड़ा था पहले। अभी क्यों हो गया, अभी गर्मी के मौसम में हमने हीटर पूरे टैंक के बंद कर दिए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, जिसके कारण मैंने सब टैंक का हीटर बंद कर दिया, जिसके कारण थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलता ही है इनके अंदर, क्योंकि हीटर कंटिन्यू नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन कंटिन्यू हीटर देंगे समर सीज़न में तो पानी बहुत ज़्यादा एवापोरेट होता है, बहुत जल्दी खाली होता रहता है, जिसकी वजह से मैंने उसको बंद कर रखा है। और हैमस्टर है यहाँ पे, हैमस्टर अभी सो रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, इसलिए देखिए हैमस्टर दोनों यहाँ पर आकर बैठे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, हेल्थी हैं वो भी हैमस्टर। ये भी तकरीबन 1 साल हो गया मेरे पास हैमस्टर आए हुए, हेल्थी है, इसी टैंक सेटअप में रख रहा हूँ इनको, हफ्ते में एक बार पूरा बेडिंग चेंज करता हूँ। और बडजीज देखिए, बडजीज की तो भाई मल्टीप्लेक्शन होती रहती है, बडजीज बेबीज देते रहते हैं, और देखिए वहाँ पर भी जोड़ी बनाकर रखे हैं, उन्होंने भी बच्चे दिए हुए हैं, और उसमें भी बच्चे हैं, हालांकि अंधेरे में दिख नहीं रहा, अभी रात के 4 बज रहे मैं वीडियो ले रहा हूँ, तो फास्टिंग के लिए उठा था तो उसी टाइम में वीडियो ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो भी नहीं थे, इसलिए अभी वीडियो ले रहा हूँ। तो गप्पी टैंक का अपडेट दिए काफ़ी दिन हो चुके थे, तकरीबन 3-4 महीने हो चुके थे, मैंने गप्पी टैंक के ऊपर वीडियो बनाया नहीं था, सिर्फ अनबॉक्सिंग का वीडियो बना था, उसके बाद अपडेट नहीं दिया था। पूरे फिशेस मैक्सिमम अलाइव हैं जो मैंने मंगवाए थे, थोड़े बहुत शायद मरे हैं बहुत, लेकिन एक्टिव हैं, और 200+ फिशेस हैं। आपको पता है कि मल्टीप्ले होते रहते हैं, ब्रीड होते रहते हैं, अभी मैंने इनको एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास टैंक में शिफ्ट कर दिया, जो एंजल फिशेस थी, अभी ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास टैंक है अभी जो आप देख रहे हो, उसमें सिंपल सेटअप बनाकर रखा है, ज़्यादा मैंने पहले जैसा प्लांट टैंक वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि अभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी होती है तो प्लांट्स वगैरह मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए सिंपल बनाया है। आप ये देखिए आरोना टैंक है हमारी, आरोना, और ये जो हमारी रेटल कैटफिश नीचे जाकर बैठी है, मटकी में कभी भी छुपी रहती है, और ये साथ में पैरेट फिशेस हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्लोन फिश भी है, और साथ में आरोना, भाई आरोना का क्या बताऊं, इतनी बड़ी होती जा रही है, अभी ये तकरीबन 30 इंच की है, अभी ये तकरीबन 30 इंच की हो चुकी है, अभी ये साइज़ इतना बड़ा हो गया इसका कि ये टैंक भी छोटी लग रही है भाई, बहुत बड़ी हो गई है। पैरेट फिशेस भी काफ़ी अच्छे से पेड़ बनाकर अंडे तो ले करते, लेकिन हैच नहीं होते, और ये आरोना काफ़ी हेल्थी है, एक्टिव है, एकदम बड़ी हो चुकी है। और साथ में जो रेटल कैटफिश वगैरह है, देखिए वहाँ पर बैठी हुई है, हमेशा छुपी रहती है, पहले जब लेके आया था ये मटकी में आसानी से बैठ सकती थी, अभी वो बड़ी हो गई, क्योंकि रात का टाइम है ना, इसलिए अभी सो रहे हैं।
नाइट में भी इनका थोड़ा टाइम होता है ना सोने के लिए। उसका फ़िल्टर सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है भाई, फ़िल्टर इतना क्लीन कर रहा है पानी, देखो कितना। ये तकरीबन ये मैं रमज़ान के महीने में बहुत बिज़ी था, तकरीबन 15 दिन बाहर था मैं, शॉप के वीडियो से इधर उधर घुमा करता था, जिसकी वजह से मैंने एक महीने से ज़्यादा हो गया अभी तक मैंने पानी चेंज नहीं किया, फिर भी पानी कितना क्लीन है। और यहाँ पर मटकी में मैंने अंडे रखे हुए हैं, आप सबको पता है। यहाँ पर एलिगेटर गार का आप सबको पता है पॉन्ड है, एलिगेटर गार देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए एलिगेटर गार काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है, काफ़ी अच्छी है, और देखिए हेल्थी भी है, ताज़ा मोटी हो गई है, खा खा के ज़्यादा अच्छा फीड डालता हूँ ना इसलिए, क्योंकि अभी अकेली है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, जितना भी फीड डालता हूँ उसी को जाता है। और शार्क उसके साथ थी, वो बड़ी हो रही है, दो शार्क थे एक्चुअली, दो में से एक शार्क ने जंप कर दिया था जब हम यहाँ पर नहीं थे, तो जंप करने के कारण पता नहीं कैसा ये हो गया था, जंप करके वो बाहर आ गई थी जिसकी वजह से मर गई। अभी एक शार्क है, एक एलिगेटर गार है, एलिगेटर गार काफ़ी अच्छी है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एलिगेटर गार आपने रखा हुआ है उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं रह जाता, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिगेटर गार जो भी तो ऑक्सीजन भी रह जाएगी। और पानी ये देखिए मैं हफ्ते में एक दो बार क्लीन करता हूँ, अभी भी देखिए कितना क्लीन है, पूरा क्लीन है, बस आलगी वगैरह थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन पानी अपने हाथ से दिखाता हूँ कितना, यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर की तरह लगता है, बस ये काई जम गई जिसकी वजह से ऐसा लगता है। और एलिगेटर गार देखिए काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मैं हाथ से तो दिखा नहीं सकता, लेकिन अभी ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगा तो वो पूरा कचरा हो जाएगा, पानी नीचे का डस्ट वगैरह बाहर आ जाएगा। तो देखिए स्टैंड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 7 फीट इसकी लेंथ है और हाइट 3 फीट है, बन रहा है हमारा, रेडी हो चुका है। ये 7 फीट लेंथ है, हाइट 3 फीट है, यहाँ पर भी एक्वेरियम आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, टोटल इसमें मैंने देखिए डिवाइड कर दिया, आप सामने आओगे दिखेगा, यहाँ पे सामने थोड़ा कैमरा लेके देखिए, यहाँ पर मैंने जैसा यहाँ पर ये बॉक्सेस बनाए ना उस हिसाब से एक्वेरियम आएंगे। यहाँ पर एक आएगा, 2, 3, 4 चार एक्वेरियम आएंगे, एक में क्रेफिश या एक्सोलॉट्स आएंगे, एक में पोलर पैरट्स आएंगे, और एक में हम लोग अलग अलग वेराइटी रखेंगे। आप सजेशन दो के कौन से फिशेस हम 4 अलग अलग टैंक में कर सकते हैं, 4, 1, 2, 6 टैंक आएंगे, 6 टैंक में कौन से फिशेस हम ऐड करें आपके हिसाब से, कौन सी सजेशन है। देखिए पूरा अभी अंधेरा है जो वीडियो बना रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग है, 5-6 बजे है, लेकिन आप लोगों के लिए अपडेट दे रहा हूँ, फिश रूम का अपडेट देना ज़रूरी है। वो जो टर्टल्स हैं, टर्टल तो आराम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी फिश रूम है, आ जाओ और एक बार दिखाता हूँ फिश रूम का नज़ारा, और एक बार दिखाता हूँ पूरा फिश रूम ऑन द, जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे ये फिश रूम पूरा अपग्रेड होता जाता है, नए नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं, नए नए टैंक आते, क्योंकि एक ही थे अभी, मैं सिर्फ आरोना के ऊपर कितने बार वीडियो बनाऊंगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे, आप लोग भी कहोगे भाई एक ही फिश को कितना दिखाओगे, इसलिए मैंने फिर 5-6 टैंक बनाने का मैंने प्लान किया। 6 टैंक के लिए यहाँ पर पूरा आएगा, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आएगा लेंथ, वो डोर तक आएगा, फिर मतलब इतना चौड़ा आएगा, वो इतना चौड़ा आके वो पूरा वहाँ तक आएगा, फिर अलग अलग टैंक्स आएंगे, ये भी निकल के 3 फीट के 2 टैंक आएंगे, डिस्कस आएगी, इन दोनों को निकाल के मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कहाँ पर करूँगा, फिलहाल करूँगा बस, अभी फिलहाल 15 टैंक हैं और 6 एडिशनल टैंक ऐड होने जा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा वेरायटी आपको देखने के लिए मिलेगी, और भी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगी, और भी ज़्यादा कॉन्टेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कौन से नए नए फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं फिश रूम के अंदर वो ज़रूर बताना, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर से हम उसके हिसाब से हम फीचर्स लेंगे, लेकिन ये तो कन्फर्म है एक्सलॉट्स लेके आएंगे और थोड़े बहुत टेट्रास न्यूज वेराइटी लेके आएंगे, और क्रेफिश, मड स्किपर का सेटअप और लॉबस्टर का सेटअप, ये सारे सेटअप जो बहुत कम देखने के लिए मिलता है वो सेटअप रखने की कोशिश करेंगे। तो आज का बस इतना ही था सिंपल, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग फिश रूम का अपडेट दे रहे हैं, और बहुत जल्दी अभी एक महीना अभी ये साइकिलिंग में चल रहा है, अभी 4 फिशेस हेल्थी हैं, अभी ये नाइट का टाइम है और थोड़ा साइकिलिंग ज़्यादा पानी ज़्यादा फ्लो होता है, तो उस साइड में छुपे हुए फिशेस कभी कभी फूड डालने के टाइम पे आते हैं, अभी भी सेट हो रहे हैं मरीन फिशेस, इसमें हम और भी ऐड करेंगे, जैसा स्टार फिश है, क्लाउन फिश है, और एक महीने बाद हम ऐड करेंगे कि अभी टैंक मैच्योर नहीं हुई है। तो फिलहाल अपडेट्स अभी रेगुलर आते रहेंगे, शॉप के वीडियो कम हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे फिश रूम के वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। सपोर्ट इतना ही है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो आज का इतना टॉपिक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।